हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सब होंगे बढ़िया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 9000। दोस्तों अगर आपका बजट 9000 रुपये के तकरीबन है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप पबजी फ्री फायर के लिए बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं फ्रेंड इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली फ्रेंड। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों इन स्मार्टफोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पर आपको रैम और स्टोरेज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। दोस्तों कम से कम आपको यहाँ पर 4GB रैम तो देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों हम बात करें इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपको कैमरा भी काफी बेस्ट देखने को मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दोस्तों बैटरी काफी बड़ी देखने को मिलने वाली है, जिससे दोस्तों आप लंबे समय तक स्मार्टफोन का यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, ये एक नॉन चाइनीज डिवाइस है दोस्तों और ड्यूरेबल स्मार्टफोन है। अगर आप नॉर्मल यूज़र है और आपको एक लंबा टिकाऊ स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको फुल HD वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप काफ़ी बड़ी व्यू एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं दोस्तों, तो भी आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करने वाले सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग के ब्रांड पसंद है आपको, तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को जरूर दें। तो दोस्तों हम बात करेंगे सैमसंग M02S के बारे में। इसमें दोस्तों आपको 6.5 इंच की यानी कि 6.5 इंच का एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 13 MP का प्राइमरी कैमरा है, प्लस 2 MP का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 MP का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको एंड्रॉइड पाई 10 देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 1TB एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसमें भी आप 1TB एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको एक फुल HD वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको काफ़ी प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है और एक काफ़ी बढ़िया कैमरा। तो दोस्तों सैमसंग के ही सेंसर लगते हैं ज़्यादातर स्मार्टफोन में, तो दोस्तों सैमसंग का कैमरा है तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाती है और काफ़ी बढ़िया बैटरी भी देखने को मिल रही है। मेन प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो अगर आप नॉर्मल यूजर है तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर है, और अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तो इस प्रोसेसर से कर पाएंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो जो 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट है, ये आपको देखने को मिलेगा 9283 रुपये में। और दोस्तों जो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है, इसे आप 10199 रुपये की प्राइस से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से ये बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, आती एक अच्छा खासा प्रोसेसर नॉर्मल सा, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जब ये लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बिका था, और दोस्तों अभी भी इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों इसमें आपको अगर आप गेमिंग वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट है। इस स्मार्टफोन में काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला है, और दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले, बिग बैटरी है और काफ़ी बढ़िया कैमरा भी है। तो दोस्तों हम सीधे टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों ये रियलमी की तरफ से स्मार्टफोन है, काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, रियलमी नार्जो 30 है। इसमें दोस्तों आपको 6.5 इंच की एक HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ ही दोस्तों आपको 16Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और दोस्तों बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और बैक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 13 MP का कैमरा है प्लस 2 MP का। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मेन प्रोसेसर की बात करें फिर तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। और दोस्तों साथ ही इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे इसमें भी। तो दोस्तों ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है, जिसमें आपको 16Hz का रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। और दोस्तों काफ़ी बढ़िया बैटरी है, बिग बैटरी है, और साथ ही अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। मेन दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो एक गेमिंग चिपसेट है, काफ़ी बढ़िया आप इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और दोस्तों पबजी, फ्री फायर और दोस्तों बैटल ग्राउंड जैसे गेम को आप आसानी से इसमें प्ले कर पाएंगे, ज़्यादा आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलेंगे, और दोस्तों आपका मोबाइल ज़्यादा लेग भी नहीं करेगा। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है,
अगर दोस्तों इसके हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट 8,999 रुपये की प्राइस में आता है, और दोस्तों जो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट 10,000 की प्राइस में आता है। तो दोस्तों अभी इस स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ गई है, नहीं तो दोस्तों पहले थोड़ा और सस्ता स्मार्टफोन था ये। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हो ना, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन बेस्ट स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के हिसाब से, और दोस्तों काफ़ी बिग बैटरी जो कि आपको बढ़िया बैकअप देगी। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग वाइज देते हैं तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा ये स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 30। फ्रेंड्स अगले स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने से पहले, अगर फ्रेंड अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, ताकि दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकूं। और दोस्तों जो भी स्मार्टफोन्स हम बताने वाले हैं इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले, फुल HD वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बड़ी बैटरी, क्वाड कैमरा सेटअप, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, और दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा, काफ़ी पावरफुल चिपसेट दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और दोस्तों इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा रैम और स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करेंगे सीधे पोको M2 के बारे में। इसमें दोस्तों आपको 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट और सेल्फी कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बिग बैटरी, 10W का फास्ट चार्जर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो आपको MediaTek Helio G80 का एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 2GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। और दोस्तों इसमें आपको Android 10 वर्जन देखने को मिलेगा, MIUI 1.0 इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और जो दोस्तों दूसरा वेरिएंट है इसमें आपको 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, और जो तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रही है 6.5 इंच की, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आप अल्ट्रा वाइड एंगल भी ले पाएंगे, ये भी दोस्तों काफ़ी कमाल की बात है। और दोस्तों आपको 10W का फास्ट चार्जर, जो कि 5000 बैटरी को जल्दी से चार्ज कर देगा। मैंने दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो Helio G80 एक गेमिंग प्रोसेसर है, इसमें आप दोस्तों डेली टास्किंग, मल्टीटास्किंग और दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से गेमिंग कर पाएंगे, पबजी, फ्री फायर और दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेमिंग को आप मीडियम सेटिंग्स में आसानी से इस स्मार्टफोन में खेल पाएंगे। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप भी देखने को ना मिलेंगे। तो दोस्तों मेन प्राइस की बात करें इस स्मार्टफोन की, तो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको 9,499 रुपये में देखने को मिलेगा, 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट 10,500 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा, और जो तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला, ये दोस्तों आपको 11,500 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सुझाव हो दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करें। तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको एक बिग डिस्प्ले देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, साथ ही दोस्तों फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, बिग बैटरी और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग वाला काफ़ी बेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाएगा, गेमिंग चिपसेट। तो चलिए दोस्तों हम सीधे टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों ये स्मार्टफोन है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10, इसमें दोस्तों आपको 6.78 इंच का एक HD प्लस LCD IPS पैनल देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में आपको फिजिकल फिंगर सेंसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, प्लस आपको लो लाइट सेंसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। फ्रंट और सेल्फी कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 5200 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी। मेन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio G70 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 2GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। और दोस्तों इसमें आपको Android 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.7 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी, और एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही अच्छी खासी बैटरी और फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो Helio G70 है एक गेमिंग चिपसेट है, इसमें आप दोस्तों पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम आसानी से गेमिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसकी मेन प्राइस की बात करें तो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 9,500 की प्राइस में, और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट, ये दोस्तों आपको 10,999 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको एक अच्छी खासी डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा,
बेस्ट बैटरी और दोस्तों एक अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जिसमें आप गेमिंग और अदर वर्क आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं रियलमी के बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रियलमी नार्जो 20A। इसमें दोस्तों आपको 6.5 इंच का एक HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसका डिज़ाइन काफ़ी बेस्ट दिखता है। और दोस्तों इसके बैक साइड की बात करें तो आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और बैक साइड में ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी। मेन दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है और ये 2 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। इसमें दोस्तों एंड्रॉइड 10 का वर्जन देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो कि ये 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज इसमें भी आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि प्लस पॉइंट है। साथ ही 6.5 इंच की एक HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा और दोस्तों ये जो स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर है इसमें आप गेमिंग भी कर पाएंगे और दोस्तों आप आसानी से डेली टास्किंग मल्टीटास्किंग आसानी से इसमें कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स की मेन प्राइस की बात करें तो जो 3GB रैम 32GB वाला स्टोरेज है ये स्मार्टफोन आपको पड़ेगा 8499 रुपये में और जो 4GB रैम 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन 9499 रुपये में आप इसे चेकआउट कर पाएंगे। तो ये थे फ्रेंड आपके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स। अभी भी आपको स्मार्टफोन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है फ्रेंड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्मार्टफोन्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड मिलता हूँ अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।